तो मूवी की शुरुआत में हम एक किलर को देखते हैं, जिसने एक आदमी को बीच सड़क पर ही मार दिया। इस किलर का नाम है चॉय। चॉय बाकी किलर से थोड़ा अलग है और किस तरह है यह हमें मूवी के क्लाइमेक्स में पता चलेगा। इसके बाद हम एक दुखी आत्मा को देखते हैं जिसका नाम है जयसुंग, जो फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां उसकी मकान मालकिन आकर उससे किराया मांगने लगी। जयसुंग ने पिछले 6 महीने से किराया नहीं दिया था। उसके घर की ऐसी हालत देखकर उसकी मकान मालकिन ने उसे बहुत सुनाया। तब उसने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने घर की सफाई करूंगा और उसके बाद नहाऊंगा और फिर मरूंगा। असल में जयसुंग एक एक्टर बनना चाहता है, लेकिन एक्टिंग न आने की वजह से उसे आज तक किसी ने काम नहीं दिया। इसके बाद वह पब्लिक बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। वहां उसने चुई को अपने हाथ साफ करते हुए देखा। उसने चुई की घड़ी देखकर सोचा कि यह तो बहुत ही अमीर आदमी है, काश मैं भी इतना अमीर होता। जब वहां चुई नहाने के लिए गया तो साबुन पर पैर पड़ने की वजह से फिसल कर सर के बल गिर गया और बेहोश हो गया। वहां जयसुंग के मन में लालच आ गया और उसने अपनी लॉकर की चाबी को चुई की चाबी से बदल दिया और उसके पास अपना सामान रख दिया। फिर उसने चुई के लॉकर से उसका सारा सामान खुद रख लिया और मन ही मन सोचने लगा कि मरने से पहले क्यों ना एक दिन अमीरों वाली जिंदगी जी ली जाए। फिर वो सबसे पहले अपने मकान मालकिन के पास गया और अपना सारा किराया चुका दिया, बल्कि उसने कुछ महीनों का एडवांस भी दे दिया। फिर उसके सूट से एक कार की चाबी निकली, जिसके बाद तो मानो वो खुशी से पागल ही हो गया हो। फिर यहाँ से वह अपनी दोस्त से मिलने गया और वहाँ उसकी दोस्त ने कहा कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। अब यह सुनकर जयसुंग बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह उसे पसंद करता था। अब उसे समझ आ चुका था कि पैसों से उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती, इसलिए उसने फैसला किया कि वह यह सब उस आदमी को वापस कर देगा। तब वह सामान लौटाने के लिए हॉस्पिटल गया। वहां जयसुंग ने अपना सामान लेकर चुई का सामान रख दिया, लेकिन तभी चुई को होश आ गया। उसने जयसुंग से कहा कि हॉस्पिटल वालों ने मेरा नाम जयसुंग बताया है, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो और क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है, मेरी याददाश्त जा चुकी है। अब यहाँ जयसुंग ने सच्चाई बताने की जगह यह बता दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जिसके बाद वह फिर से चुई का सामान लेकर चला गया। इसके बाद जब चुई को डिस्चार्ज किया गया तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी फीस भर सके। तब वहाँ यह लीना नाम की लड़की चुई का हालचाल पूछने के लिए आई। उसने चुई को बताया कि मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी। अब यह सुनने के बाद चुई ने भीख मांगना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं अपने घर से पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। तब लीना ने उसकी पेमेंट कर दी, लेकिन वो भी चुई के साथ उसके घर जाने लगी ताकि चुई उसके पैसे लेकर भाग ना जाए। वहां लीना ने चुई की उम्र पूछी, पर चुई को तो अपनी उम्र भी नहीं पता थी। उसने अपने डॉक्यूमेंट में देखकर बताया कि मैं 32 साल का हूं, जिस पर लीना कहने लगी, फिर तो हम एक ही उम्र के हैं, लेकिन चुई की शक्ल देखकर नहीं लगता था कि वो इतनी कम उम्र का है। और इधर जयसुंग सोच रहा था कि जब किस्मत ही उसे यह सब देना चाहती तो उसे ले लेना चाहिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद वो चुई के घर चला गया। वो अपार्टमेंट जयसुंग की सोच से भी बड़ा था, उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी आलीशान चीज नहीं देखी थी। खैर, इधर चुई जब अपने घर पहुंचा, जो कि असल में जयसुंग का है, वहां की कबाड़ खाने जैसी हालत देखकर लीना समझ गई अब उसके पैसे तो मिलने से रहे। चुई भी अपने घर की ऐसी हालत देखकर हैरान था। वहां जब उसने टूटी हुई रस्सी देखी तो वह सोचने लगा कि शायद मैं खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा। वहां चुई बहुत ही कंफ्यूज था। और इधर जब जयसुंग टीवी चलाता है तो उसमें सीसीटीवी चलने लगा, जिसमें एक लड़की योगा कर रही थी। उसने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन सब में यही आ रहा था। तब जयसुंग इसी प्रोग्राम को देखने लगा। इधर चुई अपने बारे में जानने के लिए अपने पड़ोसियों से मिलने गया कि शायद वो कुछ उसे बता दें, लेकिन सभी ने उसे सेल्समैन समझकर भगा दिया। तब वहां से गुजर रहे एक आदमी से चुई पूछने लगा कि क्या तुम मुझे जानते हो, लेकिन वो आदमी बिना बात के अकड़ने लगा। तब चुई ने एक मिनट में उसकी सारी अकड़ निकाल दी। चुई सोचने लगा कि मैं इतना अच्छा फाइटर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। इधर जयसुंग ने सीसीटीवी में देखा कि यून अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। तब वो बहुत डर गया और पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि यून फिर से जिंदा हो गई और फिर अपने आप को मारने लगी। ये सब हो क्या रहा है, ना तो जयसुंग को समझ आ रहा है और ना ही हमें। इधर लीना जब चुई से मिलने आई तो उसने देखा कि चुई ने घर साफ कर दिया है, और चुई ने उसे बताया कि अपने बारे में मुझे जो कुछ पता चला वह मैं इस डायरी में लिख रहा हूँ, और अभी मुझे यह पता चला है कि मैं चाकू बहुत अच्छा चलाता हूँ। अब यह सुनते ही लीना उसे अपने घर ले गई, जहाँ उसकी मॉम घर में ही एक रेस्टोरेंट चलाती थी। उसने अपनी मॉम से कहा कि यह खाना बहुत अच्छा बनाता है, हम इसे काम पर रख लेते हैं। लीना ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके पैसे वसूल हो जाए। इधर जयसुंग ने जब घर में छानबीन की तो उसे बहुत सारे पैसे मिले, जिसके बाद तो उसने अंधाधुन पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। फिर वही जयसुंग को एक खुफिया कमरा मिला, जिसमें तरह तरह के हथियार थे, नकली आईडी, नकली पासपोर्ट। वहीं उसने स्क्रीन पर यून को देख लिया। वहां दीवार पर लिखे चुई के प्लान को पढ़ा,
जिससे उसने गलत अंदाजा लगाया कि जोई एक पुलिस वाला है और इस लड़की की जान बचाने के लिए उसे इस पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। तब वो सोचने लगा कि जोई की तो याददाश्त चली गई है, इसलिए अब मुझे ही इस लड़की की जान बचानी पड़ेगी। जैसुन को यह भी पता चला कि वो लड़की इसी बिल्डिंग के किसी अपार्टमेंट में रहती है। तब वह हर अपार्टमेंट में जाकर चेक करने लगा, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाया। फिर उसने आकर सीसीटीवी में देखा कि वह लड़की फिर से खुद को मारने लगी और उसके गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जिससे वह समझ गया कि वह ऊपर वाले अपार्टमेंट में ही रहती है। फिर वह उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए मिलने चला गया। और इधर जोई इस रेस्टोरेंट का बड़ा शेफ बन चुका है। वो इतना अच्छा खाना बनाता है कि कुछ ही दिनों में उस रेस्टोरेंट के बाहर कस्टमर्स की लाइन लगने लगी। अब उसी रात जोई ने कैलेंडर में देखा कि उसे कल यगसान स्टेशन पहुंचना है। तब उसने सोचा कि शायद मुझे वहां कुछ अपने बारे में पता चले। फिर वह अगले दिन तैयार होकर वहां पहुंच गया। तब वहां एक आदमी उसे अपने साथ ले गया, क्योंकि जैसुंग एक एक्टर था, इसीलिए जोई को एक मूवी में काम करने के लिए ले जाया जा रहा है। वहाँ डायरेक्टर को जोई की एक्टिंग कुछ खास पसंद नहीं आती। वो कोई भी सीन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था। कुल मिलाकर वह हर सीन में हक देता था, जिससे डायरेक्टर बहुत परेशान हो गया था। इधर जैसुंग यून का पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां उसे पता चला कि एक आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं, और उसे देखने के बाद यून भी काफी डर गई। तब यून को बचाने के लिए जैसुंग उसे साथ लेकर भाग गया। इधर शाम को दिहाड़ी लेते वक्त जोई ने इस आदमी से अपने बारे में कुछ डिटेल्स मांगी, जिससे उसे अपने डैड के घर का एड्रेस पता चला, मतलब जैसुंग के डैड के घर का। फिर वो उस एड्रेस पर पहुंच गया। जैसुंग के डैड एक बाबा है जो हमेशा अपने बेटे के बारे में ही बात करते रहते हैं। वहां जोई चुपचाप जाकर बैठ गया और उन दोनों की बातें सुनने लगा, जहां उसे पता चला कि उसके डैड का सपना है कि जैसुंग एक बहुत बड़ा एक्टर बने, लेकिन अभी तक वह कुछ नहीं कर पाया। पर उसके डैड को लगता है कि एक दिन वह बड़ा एक्टर जरूर बनेगा। अब यह सुनने के बाद जोई ने ठान लिया कि वो मेहनत करके एक दिन बड़ा एक्टर बनेगा। इधर यून कुछ सामान पैक करके बाहर किसी से मिलने गई, लेकिन जिससे वो मिलने गई वो वहां आया नहीं। फिर यून ने सोचा कि शायद अगले थर्सडे आना होगा। इधर जोई अपना एक्टिंग ट्रेनिंग प्लान तैयार करता है और अपनी एक्टिंग स्किल्स को सुधारने के लिए मेहनत करने लगा, जैसे कि अपने डायलॉग को सुधारना, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना। अब एक दिन जोई को एक फाइटिंग सीन में काम मिल गया। उसे लीड एक्टर के बॉडीगार्ड का रोल मिला था, जहां वह अपने कैरेक्टर में इतना चला गया कि हीरो के एक्शन सीन को भी वो खुद ही करने लगा। तब हीरो कहने लगा, मैं क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं। अब उसके एक्शन से खुश होकर डायरेक्टर ने उसे हीरो के राइट हैंड का रोल दे दिया, जहां वह एक्टिंग के 50 रुपये काटने की जगह डायरेक्टर ने पहले ही टेक में सीन को फाइनल कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे जोई दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा, यहां तक कि लोग भी उसे जानने लगे। इधर जैसुंग और यून की पहचान भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, यहां तक कि यह पहचान का प्यार में बदल गई। उन दोनों को भी पता नहीं चला। अब ऐसे ही एक दिन जैसुंग को वहां जोई के एक क्लाइंट का फोन आया। तब उसने जोई बनकर फोन उठाया, जिसके बाद वो जोई बनकर उनसे मिलने भी गया। वहां उन्होंने उससे कहा कि तुमने कहा था कि 25 तारीख तक तुम यून को मार दोगे, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है। तुम उसे जल्दी खत्म करो, वरना हम ये काम किसी दूसरे किलर से करवा लेंगे। तब जैसुंग समझ गया कि जोई कोई पुलिस वाला नहीं है, बल्कि वो एक किलर है जिसे यून को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसलिए वह जोई के प्लान को जानने के लिए उसका पीछा करने लगा, लेकिन जोई ने उसे देख लिया। जोई को लगा कि यह कोई मेरा फैन है जिसे ऑटोग्राफ चाहिए, इसीलिए बेचारा इतनी देर से पीछा कर रहा है। अब उसी रात जोई को रोमांटिक सीन शूट करना था। वह एक्शन तो अच्छा करता था, लेकिन रोमांस उसके बस की बात नहीं थी, इसीलिए उसे सीन को कल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। जिसके बाद वो लीना से मदद मांगने के लिए गया और कहने लगा कि अगर मैं एक बार प्रैक्टिस कर लूंगा तो कल के सीन में अच्छे से कर पाऊंगा। तब लीना ने उसे अच्छे से प्रैक्टिस करवाई, जिसके बाद तो उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि डायरेक्टर कट बोलना ही भूल गया। इधर यून एक बार फिर किसी के आने का इंतजार कर रही थी, तभी वहां जैसुंग आ गया और उसे कहने लगा कि तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो अब कभी नहीं आएगा, बल्कि तुम उसे देखते ही भाग जाना। असल में वो जोई के बारे में बता रहा है। यहां उसने यून से झूठ भी बोला कि मैं पुलिस वाला हूं और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। इधर इन लोगों को पता चला कि यून अभी भी जिंदा है, बल्कि अब तो उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। तब इनके बॉस ने कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, किसी दूसरे किलर को हायर करो और यून को भी मरवाओ और उसके बॉयफ्रेंड को भी। फिर यह सब बैठकर सोचने लगे कि इस बार यह काम किस किलर को दिया जाए। तब इन्होंने सब किलर्स को मैसेज कर दिया, जो पहले आएगा उसी से करवा लेंगे। लेकिन जोई ने इतना बड़ा नेटवर्क फैला रखा था कि यह सारे मैसेज उसी के फोन पे गए। इधर जोई आज लीना की फैमिली के साथ पिकनिक पर गया है। वो सभी यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। जोई के लिए तो यह बहुत ही अच्छा दिन था। अब वहां से लौटते वक्त बारिश होने लगी और रेडियो में वही गाना बज रहा था जो जोई अक्सर सुनता था, जिसके बाद जोई को सब याद आ गया और वो तुरंत अपने घर गया। वहां उसने फोन पर यून को मारने के नए कॉन्ट्रैक्ट देखे, तो उसने तुरंत सीसीटीवी में देखा और उसे पता चला कि यून और जैसुंग दोनों साथ में कहीं बाहर जा रहे हैं।
तब उनका पीछा करते हुए चोई वहां पर आ गया। चोई को देखकर जैसुन बहुत डर गया और वहां से भागने के लिए कहने लगा, लेकिन यून उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराई, बल्कि वह तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वह चोई को बहुत अच्छे से जानती हो। वहां चोई ने यून को बताया कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ साथ अब जैसुन को मारने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो अब तुम्हें इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। वहां जैसुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब चोई ने उसे सब बताया। असल में चोई है तो एक किलर, लेकिन सिर्फ नाम का, क्योंकि उसे जिस किसी को भी मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था वह उसी के पास जाकर उसे नया कॉन्ट्रैक्ट करता था। वह लोगों से कहता था कि कुछ लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मैं जैसा बताऊं वैसा ही करो। फिर चोई उनकी फेक डेथ प्लान करता था ताकि कॉन्ट्रैक्ट देने वाले को लगे कि वो इंसान सच में मर गया है। बाद में कॉन्ट्रैक्ट के पैसे वो दोनों आपस में बांट लेते हैं। यून के साथ भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए चोई ने उसे बचाने के लिए अपनी निगरानी में रखा था, जहां यून अपनी मौत को असली दिखाने के लिए रोज प्रैक्टिस करती थी। लेकिन चोई की याददाश्त जाने की वजह से पूरा प्लान खराब हो गया और इसलिए यून को देश छोड़ना पड़ेगा। यून जैसुन को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि अब उसकी जान भी खतरे में है। तब जैसुन कहने लगा कि मैं तो वैसे भी मरने वाला था, मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो। तब चोई ने उससे कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे डैड से मिला था, वो तुमको एक बड़ा एक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। अब इसके बाद चोई इन दोनों को बचाने के लिए प्लान बनाता है। चोई उन लोगों को फोन करके कहता है कि कल तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वो यून और जैसुन को समझाता है कि हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए कल बहुत अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह लोग किसी दूसरे किलर को हायर करेंगे। फिर चोई घर जाकर लीना से कहता है कि मैं अब एक्टिंग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सब याद आ गया है, इसलिए मैं यहां से हमेशा के लिए जा रहा हूं, और जो तुम मेरे बारे में सोचती हो वह सब गलत है। अब अचानक यह सुनने के बाद लीना रोने लगी क्योंकि वो चोई को पसंद करने लगी थी, जिसके बाद वो नाराज होकर वहां से चली गई। तभी लीना ने देखा कि चोई कार से कहीं जा रहा है। वह सोचने लगी कि चोई अभी तक इतना गरीब था और अचानक से उसके पास इतनी महंगी कार आ गई। लीना को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वो चोई का पीछा करने लगी। इधर ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें यून की मौत का तमाशा देखने को मिलेगा। तभी वहां जैसुंग यून को लेकर आया, उसने सबके सामने यून को चाकू मार दिया। यून भी मरने की अच्छी एक्टिंग कर रही थी। तभी वहां चोई भी आ गया और जैसुंग को पीटने की एक्टिंग करने लगा। अब ये लोग यह सोच रहे थे कि यून के साथ साथ ये किलर भी आपस में लड़कर मर जाए तो अच्छा होगा। दोनों की एक्टिंग चल ही रही थी कि तभी वहां लीना पहुंच गई। लीना की वजह से चोई का अच्छा खासा प्लान खराब होने वाला था। वो लीना को साइड में ले जाकर उसे इशारों में समझाने की कोशिश करने लगा और उसे वहां से जाने के लिए कहने लगा, लेकिन लीना कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। तब चोई जैसुन को इशारे में कहने लगा कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है मेरा, तू ही मुझे चाकू मार दे। फिर जैसुन के चाकू मारते ही चोई ने यून की तरफ इशारा किया, जिसके बाद यून ने एक बड़ा कंटेनर उन पर गिरा दिया। वो कंटेनर नीचे से खुला हुआ था। अब ये देखने के बाद ये लोग बड़े खुश हुए। जब आदमी चेक करने के लिए गया तो उसे यून की डेड बॉडी दिखी, और वो जैसे ही कंटेनर के पास गया तो जैसुन ने नकली खून बहाना शुरू कर दिया, जिससे उस आदमी को पूरा यकीन हो गया। अब इनका बॉस ज्यादा खुश इसलिए था कि यून के साथ साथ दोनों किलर भी मारे गए। फिर उन लोगों के यहाँ से जाते ही ये लोग उस कंटेनर से बाहर आ गए। वहाँ चोई ने लीना को सब बताया, खासकर ये कि उसका नाम चोई है और वो 32 साल का नहीं 45 साल का है। यह सुनकर लीना के होश उड़ गए क्योंकि वह लीना के अंकल की उम्र का है। तभी लीना को याद आया कि आज चोई की मूवी का आखिरी सीन शूट है, इसलिए वो तुरंत चोई को सेट पर लेकर गई, जहां चोई स्क्रिप्ट को छोड़कर अपने दिल की बात बोलने लगा, वो भी लीना को देखकर, और तब लीना भी मान गई। फिर चोई लीना की फैमिली के साथ ही रहने लगा और चोई ने अपना पुराना काम छोड़कर एक्टिंग को ही अपना पेशा बना लिया। जैसुंग ने भी अपने डैड के सपने को पूरा करने के लिए एक्टिंग शुरू कर दी और उसे चोई के साथ एक मूवी में काम करने का मौका भी मिल गया। वह यही मूवी है जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं, और फिल्म यही खत्म हो गई है। इसी तरह मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।